अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेक्चर ऑफ साइंस ग्रेड 7। टुडे आवर टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, आबी लुदगी के ज़राए। आबी लुदगी को हम तीन बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट पे है ह्यूमन वेस्टेज, सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, थर्ड है फर्टिलाइजर। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन वेस्टेज। पीपल लीव सीवेज इन टू ड्रेन्स विच कैरी टू इट टू रिवर्स। लोगों का जो गंद होता है वो ड्रेन्स के जरिए निकाला जाता है और वो दरियाओं में जाता है। सीवेज में सीवेज हाउसेज कंटेन फैट्स, टॉयलेट वेस्टेज, फूड पार्टिकल्स, डिटर्जेंट, हार्मफुल बैक्टीरिया एट्सेट्रा। इस कीचड़ में फूड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ नुकसानदार बैक्टीरिया होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, टॉयलेट का गंद वगैरह होता है जो कि इसमें शामिल होते हैं। ये इंसानों का गंद ना सिर्फ इंसानों के लिए बीमारी का बायस बनते हैं बल्कि पानी में रहने वाले पौधे और जानवर दोनों के लिए खतरे का बायस होते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, संती गंद। इंडस्ट्रियल रिलीजेज आर लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन टू रिवर्स एंड कैनाल्स। सनत जो है वो एक बहुत बड़े तादाद में जहरीले केमिकल को कैनाल्स और रिवर में फेंकता है जिसमें धुआं होता है, जहरीली गैसें जो कि खारिज करता है। आल्सो काज द रेन वाटर टू बिकम एसिड रेन। यही पानी जो है कि तेजाबी बारिश बनने का सबब होता है जिससे मछलियां मर सकती हैं इन केमिकल्स की वजह से, और दूसरे पानी के जानवर और पौधे इन दोनों के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है फर्टिलाइज़र्स। किसान खाद इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मर दवाई इस्तेमाल करते हैं फसलों के लिए, और यही पानी जो है ये केमिकल्स लेके जाता है जो कि आबी ज़राए बनते हैं और आबी आलूदगी का सबब बनते हैं। दिस पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल। यही आलूदा पानी ना सिर्फ बल्कि पानी में रहने वाले पौधों के लिए अच्छा होता है और ना ही जानवरों के लिए, दोनों के लिए ख़तरे का बायस होता है। उन दोनों के लिए ये ख़तरेदार साबित हो सकता है। ओके, मतलब जो ह्यूमन वेस्टेज है, फर्टिलाइजर्स है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, तीनों में इन एक्वाटिक एनिमल के लिए बहुत ये हार्मफुल है। एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए हार्मफुल है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक कम्प्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।